चैनल पर देखे सूचना के अधिकार की संपूर्ण जानकारी। सूचना का अधिकार जम्मू कश्मीर के अलावा हमारे पूरे भारतवर्ष में लागू है। टेक्नोलॉजी के जमाने में हमारे देश के हर बच्चे बच्चे को सूचना की जानकारी होनी चाहिए। इस क्रम में हम आपके लिए महत्वपूर्ण दलील लेकर आए हैं। आप भी देखें, अपनों को भी दिखाएं, पूरे भारतवर्ष के बच्चे बच्चे तक ये जानकारी पहुंचाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो दूसरों तक पहुंचाएं, पहुंचाते रहें। अरे मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका देश के प्रति ये भी एक बलिदान की तरह है। सूचना से तात्पर्य है ऐसे रिकॉर्ड, दस्तावेज, ईमेल, सलाह, परिपत्र, आदेश, ठेके, प्रतिवेदन, शोध पत्र, मॉडल, सैंपल, आंकड़े, ये चाहे किसी भी रूप में हो, ये सब सूचनाएं होती हैं। सूचना के अधिकार में कौन कौन से अधिकार होते हैं? सूचना के अधिकार में किसी काम, दस्तावेज या रिकॉर्ड की जांच, किसी भी सामान का प्रमाणित सैंपल लेना, इलेक्ट्रॉनिक रूप, प्रिंट आउट या वीडियो कैसेट के रूप में या फ्लॉपी डिस्क के रूप में भी आप सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। ये सब सूचना के अधिकार के अंदर शामिल हैं। इसके साथ साथ में वो कौन सी सूचनाएं जो अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं? वो सूचनाएं जिसे भारत की स्वतंत्रता, अखंडता, हमारे प्यारे देश की सुरक्षा और आर्थिक हितों पर जिससे बुरा प्रभाव पड़ सकता हो, किसी विदेशी राष्ट्र के संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता हो, जिसे प्रकाशित करने पर किसी न्यायालय ने, किसी कोर्ट ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया हो, वह सूचनाएं जिसे जाहिर करने में संसद या राज्य विधानमंडल की मानहानि होती हो, जिससे किसी तृतीय पक्ष की प्रतियोगी स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता हो, किसी के पास अमानत के तौर पर रखी गई सूचनाएं, किसी विदेशी सरकार से भरोसे में ली गई सूचनाएं, ऐसी सूचनाएं जिसे जाहिर करने से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा पर आ जाती हो। इसके अलावा वो सूचनाएं जिसे जाहिर करने से जांच प्रक्रिया, गिरफ्तारी या दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही, कानूनी कार्यवाही करने में रुकावट आती हो। इनके साथ साथ में मंत्री परिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के बीच में हुए विचार विमर्श और इनके रिकॉर्ड सहित सारे के सारे कैबिनेट दस्तावेज, इसके अलावा किसी के व्यक्तिगत जीवन की सूचनाएं, ये सब सूचनाएं सूचना के अधिकार में नहीं आती हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये सूचनाएं आप सूचना के अधिकार में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं नहीं जाइएगा, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी अभी आगे बाकी है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ARJ गुरु को और दबाएं इस घंटी के निशान को। उसके बाद में आपको हमारे हर वीडियो की अपडेट बिल्कुल फ्री में मिलती रहेगी। यह अधिकार किन संस्थाओं पर लागू नहीं होता है? देखिए, केंद्रीय जांच और सुरक्षा एजेंसियां, इंटेलिजेंस ब्यूरो RNAW, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एविएशन रिसर्च सेंटर, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, BSF, CRPF, ITBP, CISF, NSG, असम राइफल्स, स्पेशल सर्विस ब्यूरो,
स्पेशल ब्रांच अंडमान और निकोबार, सीआईडी सीवी दादर और नगर हवेली, स्पेशल ब्रांच लक्षद्वीप पुलिस, इन पर यह अधिकार सूचना का अधिकार लागू नहीं होता है। वैसे इनको भी छूट पूरी तरह नहीं दी गई है। मानव अधिकार उल्लंघन और भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों के संबंध में इनको भी अपनी सूचनाएं उपलब्ध करानी होती है। सूचना प्राप्ति के लिए प्रार्थना पत्र किसे देना होता है, फीस कितनी होती है, कितनी समयावधि में आपको सूचना मिल जाती है, इस तरह की सूचना के अधिकार से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारा अगला एपिसोड देखिए, उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। हमारे हर वीडियो को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए नीचे वाले गोल बटन पर क्लिक करें और हमारा चैनल तुरंत सब्सक्राइब करें।